रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ योर बुक न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम। लिमरिक्स की कल क्या की थी बेटा? ट्रांसलेशन मुकम्मल की थी। आज हम इसी पोएम की एक्सरसाइज को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेस। तो अगर बेटा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, इस नज़म को समझिए। Talk about the following with your teacher and then write the answers। अपने उस्ताद से बात करें और फिर इन सवालात के क्या लिखिए? जवाबात लिखिए। How are the limericks similar? वो कहना चाह रहे हैं कि कैसे limericks जो है वो similar हैं। अगर आप इस बुक पे देखते हैं तो लिमरिक्स जो है, फर्स्ट जो है 5 lines और लास्ट 5 lines क्या हैं? सिमिलर हैं दोनों ही। दे बोथ पैराग्राफ हैव 5 lines, तो दोनों की लाइंस क्या होगी? 5 हुई। इसलिए भी ये क्या कहलाते हैं? सिमिलर्स कहलाते हैं। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या बनता है। अ लिमरिक इज ह्यूमरस पोइम। जो लिमरिक होती है वो ह्यूमरस पोइम होती है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 lines, और जो 5 लाइनों पर क्या होती है? मुश्तमिल होती है। द फर्स्ट, पहली लाइन, सेकंड एंड फिफ्थ लास्ट लाइन मस्ट हैव 7 to 10 syllables वाइल रैमिंग। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इस पैराग्राफ की लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर क्या 5 क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। इसकी राइमिंग क्या होती है? सेम होती है। उसमें सेलेबल्स 7 to 10 हो सकते हैं। सेलेबल्स क्या होते हैं बेटा, ये देखें। हाउस, हाउस इज़ अ 1 syllable। एंड हम बोलेंगे लफ्ज़ पोल का, पोल का हैज़ 2 syllables, पोल का। तो सेलेबल्स इसमें कितने हो सकते हैं? 7 to 10 हो सकते हैं। 1, 2 और कौन सी लाइन में? 5 में। तो द थर्ड एंड फोर्थ लाइन, ये जो थर्ड लाइन है और ये फोर्थ लाइन है, इसमें क्या हो सकता है जी? आर 5 to 7 syllables। पहली में 7 to 10, तो 3, 4 में 5 to 7 syllables हो सकते हैं। दे टू मस्ट राइम विद ईच अदर, और इनकी राइम्स क्या होती हैं? सेम होती हैं, आवाज़ें सेम होती हैं। जैसे कोइटा, लटर, बेटर, बैक और सैक। इन विच वे आर द लिमरिक्स फनी, हम कैसे कह सकते हैं के लिमरिक्स क्या हो सकती है? फनी हो सकती है। द लिमरिक्स, ऐसा आएगा, द लिमरिक्स आर फनी, वो लिमरिक्स फनी हो सकती हैं। इन विच वी फाइंड, इसमें हम पाते हैं ह्यूमरस इंसिडेंट्स, एक मजाक वाले इंसिडेंट पाते हैं। एंड दीज इंसिडेंट्स कॉज बेस्ट लाफ, तो ये ही जो इंसिडेंट होते हैं वो हमारे बेहतर या बड़े बेहतरीन अच्छी हंसी का सबब बनते हैं, वजह बनते हैं। देखिए इसमें देखें, उसने क्या कहा था कि उस जो पोस्टमैन था उसने वो लेटर भी खा लिए, उसने पार्सल भी खा लिए, और जब उसकी कमर पे थपकी दी गई या मुक्का मारा गया तो फिर उसने मुंह के ज़रिए सारी चीज़ें बाहर निकाल दी और दोबारा वो बोरी में चली गई। तो ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं वो इसको क्या बनाते हैं? फनी बनाते हैं। Can you make the your own limericks? Share it with the
अदर्स इन क्लास, तो वो आपसे कहना चाह रहा है कैन यू मेक योर ओन लिमरिक्स, क्या आप लिमरिक्स बना सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या अपने क्लास वालों के दोस्तों के साथ क्या करें आप शेयर करें। तो बेसिकली इनका मकसद यही था कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप लिमरिक्स क्या करें लिखें, लिमरिक्स क्या करें बनाएं। तो आपको इस बात का बेटा इलम है तो लिमरिक्स जो बनाना है वो इतना आसान काम नहीं है। बस फिर अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो फिर उसका पैटर्न आपने क्या रखना है, जहन में रखना है। तो पैटर्न को जहन में रखेंगे तो फिर शायद आप कुछ लिमरिक्स की लाइंस बना सकें। जैसे लिमरिक्स की फर्स्ट सेकंड और फाइव जो लाइंस हैं इसकी राइमिंग जहन में रखनी है, इसकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, राइमिंग सेम होनी चाहिए, और लाइन नंबर थ्री और फोर इनकी क्या होनी चाहिए, फिर राइमिंग क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए सेम। तो लिमरिक्स बनाने से पहले ये बात जहन में रखें कि कोइटा, लेटर और बैटर इनकी राइमिंग सेम होनी चाहिए, और थ्री और फोर इनकी भी राइमिंग आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वन टू और फाइव लाइंस की लेंथ सेम होनी चाहिए, और थ्री और फोर लाइंस की भी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप कुछ वर्ड्स सोचें और ताकि आप कुछ क्या कर सकें, लिमरिक्स को बना सकें। बी, वर्किंग विद वर्ड्स, इन अल्फाज के साथ क्या कीजिए, आप काम कीजिए। टॉक अबाउट द पिक्चर्स, इन तस्वीरों के बारे में क्या करें, आप कुछ बात करें। द बॉयज आर प्लेइंग, इन दिस पिक्चर द बॉयज आर प्लेइंग, वन बॉय इज किकिंग अ बॉल, एक लड़का जो है वो बॉल को क्या कर रहा है, वो शेड भी बनी हुई किक कर रहा है। द अदर बॉय इज चेसिंग, या अदर इज चेसिंग, दूसरा बॉल के पीछे पीछे चेस कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बी, लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज द मैन डूइंग इन दिस पिक्चर, द मैन इज वॉकिंग, तो आदमी क्या कर रहा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट द बोथ ऑफ द लेडीज आर डूइंग इन दिस पिक्चर, द लेडीज आर ड्रिंकिंग टी, द लेडीज आर ड्रिंकिंग टी, लेडीज क्या कर रही है, ड्रिंक कर रही है, टी को पी रही है। दे आर ईटिंग बिस्किट्स, और वो बिस्किट भी खा रही हैं। द बॉय इज रीडिंग अ बुक, एक लड़का जो है अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। द कैट इज क्लाइंबिंग द ट्री, ऊपर दरख्त पर चढ़ रही है। राइट टू सेंटेंसेस फॉर ईच पिक्चर्स इन योर ओन नोटबुक, तो आपने क्या करना है, यूज द वर्ड इन द बॉक्स बिलो, ये जो बॉक्स बेटा बना है इसमें क्या लफ्ज है, वॉकिंग सैर करना, स्लीपिंग सोना, किकिंग ठोकर मारना, ड्रिंकिंग पीना, ईटिंग खाना, रीडिंग पढ़ना, प्लेइंग खेलना, और क्लाइंबिंग चढ़ना। तो आपने इनको क्या करना है, अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। तो अगर आप देखते हैं तो अगर हमने यहाँ पे वॉकिंग का सेंटेंस बनाया हुआ है, किकिंग का बनाया है, उसके बाद प्लेइंग का बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ड्रिंकिंग का भी बना हुआ है, तो यहाँ पे रीडिंग का बना हुआ है। तो मोस्टली जो यहाँ पे सेंटेंस या वर्ड्स मौजूद हैं ऊपर उसके सेंटेंस हमने बना दिए हैं। तो आज हमने इसकी जो लिमरिक्स है इसकी एक्सरसाइज को भी बेटा क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो आप जो है अगर हमारे लेक्चर जो है आपको बेहतर लगा है तो हमारे चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।